नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग नेहा बाथम मॉर्निंग स्पेशल में। सबसे पहले बात राम रहीम की, क्योंकि हरियाणा सरकार आज राम रहीम के डेरा की संपत्तियों का पूरा ब्यौरा हाईकोर्ट को सौंपेगी। मिली जानकारी के मुताबिक डेरा की संपत्ति 1600 करोड़ से ज्यादा की आंकी गई है। इसमें सबसे ज्यादा संपत्ति सिरसा आश्रम की है, जिसकी कीमत 1453 करोड़ बताई जा रही है। आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के जो तमाम आंकड़े हैं उसमें यह पाया गया है कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जो सौंपी गई है संपत्ति की रिपोर्ट, उसमें सिरसा में 1453 करोड़ रुपए की संपत्ति है। वहीं अंबाला में 32 करोड़ की लगभग संपत्ति बताई जा रही है। झज्जर में 29 करोड़ की संपत्ति, और ये तमाम आंकड़े अब सौंप दिए गए हैं कोर्ट को। फतेहाबाद में 20 करोड़ की संपत्ति, जींद में 19 करोड़, कुल मिलाकर लगभग 1600 करोड़ की संपत्ति आंकी गई है। सोनीपत में 17 करोड़, कैथल में 11 करोड़, कुरुक्षेत्र में 7 करोड़, हिसार में 7 करोड़, ये तमाम वो जगह हैं जहां पर बाबा की संपत्ति मौजूद है। करनाल में 6 करोड़, भिवानी में लगभग 4.25 करोड़। तो गुरमीत सिंह और राम रहीम की चहेती यानी प्रीत के सामने अब आखिरी रास्ता आखिरकार क्या बचा है, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट से राहत पाने और शान से दुनिया के सामने आने के हनीप्रीत की ख्वाहिशों पर पानी फिर चुका है। कल दिल्ली हाईकोर्ट में 2 किश्तों में सुनवाई के बाद उसकी ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई। तो अब हनीप्रीत का क्या होगा, गिरफ्तार होगी या फिर कोई रास्ता निकलेगा? दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद अब क्या करेगी हनीप्रीत? तीन हफ्ते मांगने वाली हनीप्रीत 12 घंटे के लिए क्यों गिड़गिड़ाई? हनीप्रीत अब सरेंडर करेगी या कोई और दांव आजमाएगी? बवाल हरियाणा में तो फिर बचाव दिल्ली में क्यों? हनीप्रीत की जमानत याचिका पर यही सवाल दिल्ली हाई कोर्ट ने हनीप्रीत के वकील से पूछा था, और जमानत की सारी जिरह इसी सवाल पर आकर अटकी रह गई। ना वकील साहब के पास जवाब था और ना सोमवार को 2 घंटे तक उन्हें समझा कर गई हनीप्रीत के पास। सोमवार को 2 किश्तों में हुई सुनवाई के बाद वही हुआ जो होना था। Well, their apprehension and their prayer, Honeypreet's prayer was for interim bail to go to Punjab Haryana High Court and take her remedies there and give her anticipatory bail, interim transit bail that we call. But the court felt that it was merely a camouflage and she did not come with the true bona fides to this court. She camouflaged her address by saying that she is a resident of Delhi, although she was a resident of Punjab Haryana. So court said we do not have jurisdiction to entertain. Moreover, the court also felt that having applied here for bail was merely to gain more time, further time, in spite of knowing that the entire state police is after her, searching her, and she is still awaiting the arrest. अब सवाल उठता है कि महीने भर से पुलिस से भागी भागी फिर रही हनीप्रीत अब क्या करेगी? सरेंडर करना होता तो वो लुका छिपी नहीं खेल रही होती। तो क्या हनीप्रीत अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी? What are the legal options she has before her now? The legal option is the same. Either she surrenders before the courts concerned, or she moves a anticipatory bail application before Punjab Haryana, which is the right jurisdiction of her case. लेकिन हनीप्रीत के पास वक्त बेहद कम है। कोर्ट में सिर्फ आज के दिन कामकाज होगा, क्योंकि गुरुवार से 2 अक्टूबर तक सरकारी छुट्टियां शुरू हो रही हैं। यानी जमानत लेनी है तो हनीप्रीत को आज ही पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट जाना होगा। वक्त की कमी की बात इसलिए भी उठ रही है क्योंकि ये तो तय है कि हनीप्रीत दिल्ली या दिल्ली के आसपास है। ऐसे में पुलिस पूरी ताकत से उसका ठिकाना ढूंढने में जुट गई है, ताकि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से कोई राहत मिलने से पहले ही उसे गिरफ्तार कर सके। अभी तक अंधेरे में तीर चला रही हरियाणा पुलिस के लिए ये काम अब आसान भी होगा, क्योंकि लोकेशन का खुलासा हो जाने के बाद हनीप्रीत के लिए दिल्ली का इलाका छोड़कर बाहर निकल पाना बेहद मुश्किल है।
Well, the court said, okay, you have a threat. We understand if you do have a threat, we take you right in police custody right away and give you police protection. And you can go in police protection from here to Punjab Haryana High Court. Because from here, she was only asking for transit relief. So the court did want to give her protection, police protection from all the threats that she was having. But they refused. From 3 weeks, they came down to 12 hours, which also was refused by the court. दिल्ली में जमानत अर्जी लगाकर हनीप्रीत अपने ही जाल में फंस गई। यही वजह है कि 3 हफ्ते की अग्रिम जमानत मांगने वाली हनीप्रीत आखिर में कोर्ट से 12 घंटे की भीख मांगने लगी ताकि पुलिस से बचकर किसी तरह चंडीगढ़ तक पहुंच जाए, लेकिन ये भी मंजूर नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा, अगर आपको ऐसे ही लगता है कि ड्रग माफिया और सबसे खतरा है तो हम आपको यहीं कस्टडी में लेके पुलिस प्रोटेक्शन में भेज देते हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं ऐसा नहीं करें, आप मेरे को 12 घंटे दे दें, मैं वहाँ जाके पेश हो जाऊंगी, अपना एप्लीकेशन लगाऊंगी। तो कोर्ट ने उस पर ऑर्डर रिजर्व करके शाम को आप जब ऑर्डर किया, उन्होंने कहा ये आपने जो एड्रेस दिया था वो जानबूझ के कैमोफ्लाज करके कि आप दिल्ली के रेजिडेंट हैं, जानबूझ के टाइम गेन करने के लिए एप्लीकेशन लगाइए, ये गलत है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में आज ही उसकी जमानत की अर्जी लगे। हनीप्रीत की मौजूदगी के बगैर कोर्ट आज ही अग्रिम जमानत मंजूर करे और जमानत मिलने के बाद हनीप्रीत सामने आकर बाकी कानूनी प्रक्रिया पूरी करे। Can she be arrested now in case anyone spots her? Can she be arrested? Yes, yes, certainly she can be arrested anytime by any of the police. There's also a lookout notice, I suppose. And yes, arrest warrant has also been served. And it is a non-cognizable, non-bailable offence, cognizable offence. She can be arrested anytime. देशद्रोह, दंगा भड़काना, बाबा को पुलिस कस्टडी से भगाने की साजिश रचना, ये तमाम आरोपों को माथे पर लेकर भाग रही हनीप्रीत अगर पुलिस की पकड़ में आ गई तो फिर 2-4 महीने तक जमानत तो भूल ही जाए। इसीलिए डेरा की प्यारी और बाबा की दुलारी हनीप्रीत की आजादी के लिए आज का दिन बेहद अहम है। एक तरफ जहां दिल्ली हाई कोर्ट ने हनीप्रीत की एंटीसिपेटरी बेल को खारिज कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ अब हनीप्रीत के पास सिर्फ 2 विकल्प बचे हैं, या तो वो पुलिस के सामने या अदालत के समक्ष सरेंडर करे या फिर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में गुहार लगाए। अब देखना यह है कि हनीप्रीत कौन सा रास्ता अपनाती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस उसे पकड़ने की लगातार कोशिश कर रही है। दिल्ली से अनुज मिश्रा और शालिनी लोबो के साथ आज तक ब्यूरो। 32 दिन बीत चुके हैं, हनीप्रीत लगातार पुलिस को चकमा दे रही है, कहां है वो। हालांकि अब उसकी लोकेशन ट्रेस हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस के हाथ उस तक नहीं पहुंच सके हैं। क्या जल्द गिरफ्तारी होगी हनीप्रीत की, ये बड़ा सवाल है। क्या वाकई दिल्ली में ही है हनीप्रीत? अगर दिल्ली में है तो पुलिस को क्यों नहीं मिल रही हनीप्रीत? दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में हनीप्रीत के वकील के दफ्तर के बाहर का ये सीसीटीवी फुटेज हनीप्रीत की तलाश का अब तक का सबसे बड़ा सुराग है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सोमवार दोपहर को वकील प्रदीप आर्या के दफ्तर से बुरके में निकलने वाली ये महिला हनीप्रीत ही है। हनीप्रीत के अभी तक जितने भी वीडियो सामने आए हैं उसमें उसके चलने का तरीका और हाव भाव काफी हद तक सीसीटीवी में दिखने वाली इस बुरके वाली महिला से मिलते जुलते हैं। खासतौर पर उसका दाहिना हाथ जो काफी ज्यादा पीछे की ओर जाता है उसकी अलग पहचान की गवाही दे रहा है। वकील प्रदीप आर्या का दावा है कि हनीप्रीत ने उनके साथ दफ्तर में 2 घंटे तक चर्चा की थी। क्या वकील प्रदीप आर्या के दफ्तर से बुरके में निकलने वाली महिला हनीप्रीत थी? वकील प्रदीप आर्या ने सोमवार शाम को मीडिया चैनलों को बताया था कि उन्होंने हनीप्रीत की जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की है। सीसीटीवी फुटेज और सोमवार का पूरा घटनाक्रम यही इशारा करते हैं कि बुरके वाली महिला हनीप्रीत ही थी और उससे जमानत के कागजात पर दस्तखत लेने के बाद प्रदीप आर्या सीधे दिल्ली हाई कोर्ट के लिए निकले और जमानत याचिका दाखिल कर दी। लेकिन चारों दिशाओं में हनीप्रीत को तलाश रही पुलिस तो जैसे मीडिया रिपोर्ट्स के भरोसे चल रही थी। न्यूज चैनलों पर हनीप्रीत की जमानत याचिका की खबर चलने के बाद मंगलवार सुबह से पुलिस ने दिल्ली में छापेमारी शुरू कर दी। ग्रेटर कैलाश की A9 नंबर की एक कोठी डेरा सच्चा सौदा की है जिसमें एक केयरटेकर रहता है। कहा जाता है
कहा जा रहा है कि हनीप्रीत के साथ आदित्य इंसा और पवन इंसा भी यहां ठहरे तो जरूर थे, लेकिन कब रफू चक्कर हो गए कुछ पता नहीं। अब सवाल ये उठता है कि हनीप्रीत दिल्ली में कब से थी और कहां से आई? क्या यूपी के लखीमपुर से बॉर्डर पार करने में नाकाम होकर हनीप्रीत दिल्ली लौटी, या बिहार के रक्सौल बॉर्डर से दिल्ली लौटी, या राजस्थान के श्रीगंगानगर से भागकर दिल्ली लौट आई, या फिर हनीप्रीत कहीं गई ही नहीं और रोहतक से सीधे वो दिल्ली में ही डेरा जमाकर बैठी रही और पुलिस दुनिया भर में उसे ढूंढती रही। इतना तो साफ है कि 32 दिनों से पुलिस को छका रही हनीप्रीत इस दौरान अपने खासम खासों के साथ किसी न किसी तरह से संपर्क में थी, और अगर वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं भी कर रही थी तो उसके लोगों का आपस में मोबाइल से संपर्क जरूर था, और इन्हीं में से किसी ने मोबाइल के जरिए ही वकील से संपर्क किया होगा। लेकिन पुलिस सुरागों के किसी भी धागे को पकड़ने में नाकाम रही और हनीप्रीत पूरे 32 दिनों से पहेली बनी घूम रही है। पुलिस के पास भी अब आखिरी मौका है कि वो कम से कम अब नाक बचा ले और दिल्ली से हनीप्रीत को दबोचकर कानून की चौखट पर खड़ा करे। दिल्ली से चिराग गोठी के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल के एक छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कि आखिरकार क्यों इतनी शिद्दत से पुलिस कर रही है हनीप्रीत की तलाश। दरअसल हनीप्रीत के वकील का ये कहना है कि हनीप्रीत निर्दोष है, लेकिन पुलिस आखिरकार इतने दिनों से हनीप्रीत की तलाश क्यों कर रही है? क्योंकि हनीप्रीत राम रहीम के कुछ ऐसे राज जानती है जो और कोई नहीं जानता। इसके अलावा देशद्रोह और हिंसा भड़काने का मामला भी हनीप्रीत पर दर्ज है। पच्चीस अगस्त को बाबा के जेल जाने के बाद हनीप्रीत उसी रात डेरा पहुंच गई और फिर तड़के ही गायब हो गई। माना जा रहा है कि 26 अगस्त को हनीप्रीत 3 ब्रीफकेस और कई बैग्स के साथ डेरा से निकली थी। बैग में बेशकीमती जेवरात, बैंक के कागजात और कुछ चाबियां थीं। हनीप्रीत के बैग में राम रहीम की डायरी, फोन और लैपटॉप भी था। अब समझिए कि डेरा से जो खास चीजें लेकर हनीप्रीत गायब हुई, उसमें ऐसा क्या है जो खुल जाए तो तूफान ला सकता है। सूत्रों का दावा है कि राम रहीम की डायरी में उसकी छिपी हुई बेहिसाब दौलत की पूरी जानकारी हो सकती है। इसके अलावा डेरा पर मेहरबानी करने वाले नेताओं के नाम और इन्हीं नेताओं और रसूखदारों से मिले पैसों का हिसाब किताब भी डायरी में हो सकता है। शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। मॉर्निंग स्पेशल में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आगे जुड़िए मेरे और श्वेता झा के साथ एक और एक 11 में। देखते रहिए आज तक।